हम लोग इतने ऊंचे दानी हैं। एक बार हमारे सलारिया जी के पास एक बंगला था, पुराने जमाने में, पूर्व जन्म में, 9 लाख की कोठी। एक बार सलारिया जी पहले नाव से चलता था व्यापार, और नाव से जा रहे थे, रस्ते में नाव डूबने लगी। नाव चलाने वाला बोला, अब तो भगवान को याद करो। सब लोग याद कर रहे, हनुमान जी हमें क्षमा करो, राम जी क्षमा करो, जो भी पाप हो गए तूफान आ गया, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बाल बच्चे छोटे। सलारिया जी भी हाथ जोड़ के बोले, हे माता वैष्णो माता, हमको बचा लो, 9 लाख की कोठी बेचकर जो भी रुपया आएगा उससे हम सत्कर्म कर देंगे। हे माता रानी, 9 लाख की कोठी दई, भगवान की कृपा, नाव बच गई। जय जय हो। लोग पीछे पड़ गए, आपने कहा था 9 लाख की कोठी दान में देंगे, सत्कर्म कर देओ, देओ। लोग परेशान, उन्होंने घोषणा की सलारिया जी ने, परसों हम अपनी कोठी बेचेंगे। लेने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, कोठी इतनी नाम वाली हो गई थी, कौन नहीं खरीदना चाहेगा। इन्होंने कोठी कोठी के बाहर एक बड़ी बिल्ली बांध दी, पंजाबी बिल्ली। वाले बोले, रेट बताओ। इन्होंने बिल्ली बांध कर कहा, सुनो सुनो सुनो, कोठी 1 रुपया की, बिल्ली 9 लाख, और शर्त ये है, दोनों को लेना पड़ेगा। एक जने बोले, सलारिया जी ये बिल्ली किस काम की। अरे बोले, वो तो शर्त है, शर्त है, बेच रहे, लेना पड़ेगा, खरीदो खरीदो, जाओ घर जाओ। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, खरीदना है। एक सेठ बोला, 9 लाख 2 रुपया। सलारिया जी बोले, लाओ। सलारिया जी बोले, 2 किसके। बोले, 2 रुपया कोठी के, 9 लाख बिल्ली के। बोले, ले आओ, 2 रुपया आएगा। इन्होंने तुरंत कहा, जय माता वैष्णो रानी, हमने कहा था जो भी कोठी का रुपया बचेगा उससे सत्कर्म करेंगे, 2 रुपया का भंडारा करवा देंगे।